नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा कैबिनेट डोर होते हैं उसके चारों साइड में लेमिनेट किस प्रकार से प्रेस की जाती है। हमारे द्वारा ये जो टक्कर है ये बोल्ट से 1 mm ज़्यादा काट कर उसके फेविकोल लगा कर इस प्रकार से अच्छे तरीके से टेप मार देंगे। टेप के बीच में ज़्यादा गैप ना हो, आप 1/2 इंची या 1.25 इंची गैप छोड़कर टेप लगाते रहो, जिससे कि जो हमारी माइक है वो अच्छे तरीके से बोल्ट पर चिपक जाए, कहीं पर भी गैप ना आए। जिस का अगर गैप आएगा तो हमारा जो ग्रुप है वो अच्छी तरह से नहीं दिखेगा। माइक का सूखने के बाद में इसकी टेप उतारकर जो इसकी 1/2 mm बड़ी हुई माइक है उसको हम ग्राइंडर की मदद से अच्छे तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग देकर बराबर कर लेंगे। और उसके बाद में इसके दो फ्रंट और बैक साइड माइक का सेट करेंगे। इसकी चारों साइड माइक का लगाने के बाद में हमारी इसकी फ्रंट साइड है जो टेक्सचर सीट है और जो हमारी बैक साइड में ऑफ वाइट सीट है। हम इसको किस प्रकार से फिटिंग करते हैं, आप ट्रिम रोटर के द्वारा भी बहुत जल्दी कर सकते हो। अगर आपके पास ट्रिम रोटर नहीं है तो आप इसको इस प्रकार से नीचे रखेंगे। जो ये हमारी माइका की कटिंग है ये 2-3 दिन से फालतू की है, तो आप हम इसके साइड से इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। इसको चारों साइड से मारे अच्छी तरीके से मार्किंग करने के बाद में, अगर जिस साइड में आपकी ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट कलम से भी काट सकते हो। अगर आप इस साइड में कलम से काटते से क्रैच नहीं पड़ रहे हैं तो आप कलम से भी काट सकते हो। और इसके बाद में जो ये हमारी मार्किंग है इसको रंगे के द्वारा सेट कर लेंगे। जो हमारे कारपेंटर भाई रेती की मदद से सनमाइका की कटिंग करते हैं उसमें अच्छी तरीके से फिनिशिंग नहीं आती है, इसलिए आप जब भी सनमाइका फिटिंग करो तो आप रंधे की मदद से मार्किंग करके सनमाइका फिटिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमारी अच्छे तरीके से फिनिशिंग आ सके। चारों साइड से बिल्कुल बराबर आएगा। और अगर आप साइड से कलम से द्वारा कटिंग करते हो, अगर स्क्रैच नहीं पड़ रहा आप अच्छे तरीके से कलम चला सकते हो तो आप सीधी कलम से भी काट सकते हो, लेकिन कलम से काटते वक्त ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम दोनों पीस है वो सेट कर लेंगे मार्किंग करने के बाद में। ये हमारा बैक साइड का पीस है जो सेट हो गया है, अब इसके जो फ्रंट वाला पीस है वो हम सेट कर लेंगे। इसको भी उसी प्रकार से तो दोस्तों ये हमारे दोनों पीस इसी प्रकार से रंधा मार्कर सेट कर लिए हैं। आप दे चारों साइड से अब बिल्कुल बराबर माइक आएगी, थोड़ी बहुत रहेगी हल्की हल्की, ज़्यादा रहेगी तो हम फिनिशिंग बाद में चोरसी के द्वारा दे सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको फेविकोल के द्वारा चिपकाएंगे। दोस्तों अब हम इसके फेविकोल लगा लेंगे। फेविकोल अगर आप इस काम में नहीं हो तो आप कंघी के तो कंघी का यूज करें, अगर आपको काफ़ी अनुभव है समय का तो आप प्लेन फेविकोल भी लगा सकते हैं, आप प्लास्टिक वाली कंघी से भी फेविकोल लगा सकते हैं, नहीं तो आप माइका की सांचे निकाल कर कंघी बना सकते हैं। दोस्तों हम प्लेन फेविकोल लगाएंगे
एक साइड सनमाइका पर फेवी को लगाने के बाद में दूसरी साइड बोर्ड पर फेवी को लगा लेंगे। अब बोर्ड को अच्छी तरह साफ कर लें जिससे कि कोई कचरा वगैरह अंदर ना आए, जिससे कि हमारी सनमाइका फूले। डस्ट नहीं आनी चाहिए, इसका खास ध्यान रखें। अगर फेविकोल एक्स्ट्रा हो तो आप डब्बे में वापस डाल दो। दोस्तों इस प्रकार से आप अच्छे तरीके से फेविकोल लगाएं, कोई भी कन्नी वगैरह रहे ना। और इसके बाद में अपना जो बैक वाला साइड वाला पीस है उसके पहले दोनों साइड फेविकोल लगाकर एक साइड से प्रेस करते हुए सेट कर लें और अच्छे तरीके से मालिश कर लें उसकी। और इसके बाद में हम दूसरी साइड वाला पीस है जो हमारा फ्रंट का, उस साइड में फेविकोल लगाएंगे। पहले आप माइका पर फेविकोल लगा लें। अगर दोस्तों आपको कौन सा फेविकोल यूज करना चाहिए उस पर वीडियो चाहिए तो हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कर देना नीचे, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस तरह अच्छे तरीके से नहीं कर पहले फेविकोल लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा फेविकोल होगा वो अपने बोर्ड पर उतार लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। फेविकोल निकल नहीं रहा है, प्रयास जारी है। आप इस प्रकार से अच्छे तरीके से फेविकोल लगा लेंगे और इसके बाद हम इसका फ्रंट वाला पीस है वो इसके ऊपर सेट करके लगा लेंगे। इसको अच्छी तरह से मालिश कर लेंगे। तो दोस्तों इसकी जो टेप है दोनों साइड में एक साथ लगा देंगे। इस प्रकार से दोस्तों चारों साइड में अच्छी तरह से टेप लगा देंगे। और ये हमारे साथ ही कारपेंटर भाई करण सिंह भी फेविकोल लगा रहे हैं।
इस प्रकार से चारों तरीकों में अच्छी तरीके से टेप लगा लेंगे। और जो ये हमारी माइक है ये भी देख लो, ज़्यादा बड़ी हुई नहीं है, और जो थोड़ी बहुत हल्की हल्की हो वो आप बाद में चोर से या रंधे द्वारा फिनिशिंग दे सकते हो। इस प्रकार से हमारा पल्ला रेडी हो गया।